हे गाइस, दिस इज केयू एक्सोटिक गेमिंग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले FPS के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस गेम पे FPS कितना ज़्यादा मैटर करता है, एंड आप लोगों को इस गेम पे टोटल 6 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे FPS पे। एंड इन सारे ही अलग अलग ऑप्शन पे आप लोगों की गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये FPS होता क्या है। तो FPS मीन्स फ्रेम पर सेकेंड, एंड आप लोगों की डिवाइस पे जितनी भी FPS सपोर्ट करती है उतनी FPS क्रिएट होगी एक सेकेंड पे। सपोज अगर आप लोगों की डिवाइस पे 30 FPS सपोर्ट करता है तो एक सेकेंड पे 30 फ्रेम ही रेंडर हो पाएंगे। अगर इजी लैंग्वेज में तो जितनी ज्यादा आप लोगों की FPS होगी उतनी ज्यादा गेम स्मूथ चलने वाली है, एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द गेम। तो चलो अभी हम FPS कंपैरिजन करके देखते हैं हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलती है। तो देखो, तीनों पे मैंने जिगल करना एक साथ स्टार्ट किया, बट ये जो 30 FPS वाली क्लिप देख रहे हैं आप लोग, इस पे मेरी जिगल मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट लग रही है, वाइल 60 और 90 FPS पे देखो सेम स्पीड से जिगल हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 30 FPS पे मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट लग रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 30 FPS पे एक सेकंड पे सिर्फ 30 फ्रेम ही क्रिएट होती है, एंड उन 30 फ्रेम पे ये सारा ऑब्जेक्ट को रेंडर करना होता है। इसलिए 30 FPS पे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट स्किप हो जाते हैं, एंड इसी वजह से हमें मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट लगती है 30 FPS पे। वाइल 60 और 90 FPS में 30 FPS के कंपेयर में एक सेकंड में डबल एंड ट्रिपल फ्रेम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से सारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही स्मूथली रेंडर हो रहा है। इसलिए जो भी बंदे 30 FPS पे खेलते या फिर 20 FPS पे खेलते, एंड अगर उनके सामने कोई बंदे जिगल करते हैं ना, तो उन्हें उनकी मूवमेंट फास्ट लगती है, बट एक्चुअली में मूवमेंट फास्ट नहीं होती है, मूवमेंट सेम स्पीड से होती है। 30, 20, 60 और 90 सारे FPS पे सेम स्पीड से होती है, सिर्फ लो FPS पे कुछ फ्रेम स्किप हो जाते हैं। इस वजह से आप लोगों को फील होता है कि मूवमेंट फास्ट हो रही है सामने वाले बंदे की। एंड जो भी लो FPS वाले बंदे हैं ना, वो कभी भी किसी हाई FPS वाले बंदे के अगेंस्ट पे खेलते हैं ना, तो उन्हें ये प्रॉब्लम जरूर होती होगी, वो है डीसिंग वाली प्रॉब्लम। बंदे का नेटवर्क सही भी रहता है बट फिर भी डीसिंग होता है, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को कंपैरिजन शो करता हूं। तो यहां पे आप लोग देखो, मैं तीनों पे ही एक साथ पीक कर रहा हूं, बट सबसे पहले बंदे का हेड 90 FPS पे ही विजिबल होता है। तो इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को 0.5 की स्पीड से प्ले करो, आप लोगों को और भी अच्छे से कंपैरिजन दिखेगा। एंड जैसे ही मैं अनपीक कर रहा हूं ना, तो सबसे पहले मेरी हेड 30 FPS पे गायब हो रही है, देन 60 और 90 पे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोगों को फ्रेम मिलेगी, आप लोगों को उतनी ज्यादा रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम मिलेगी। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया कि मैं एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूं, तो इसके लिए आप लोग इस वाली क्लिप पे ध्यान दो। तो अगर आप लोगों के मोबाइल पे स्लोमो एंड सुपर स्लोमो वीडियो मोड सपोर्ट करता है, तो ये आप लोग खुद ही से ट्राई करके टेस्ट कर सकते हो। क्या करना, आप लोग अपने घर के सीलिंग फैन है उसकी रिकॉर्ड करना, एक वीडियो स्लोमो में एंड एक वीडियो सुपर स्लोमो में। तो ये जो स्लोमो मोड होता है ना, इस पे 120 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड होता है, एंड ये जो सुपर स्लोमो मोड होता है, इस पे 240 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड होता है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्लोमो में आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा स्लो एंड स्मूथ देखने को मिलता है। तो देखो, लेफ्ट साइड पे स्लोमो पे 120 FPS पे वीडियो प्ले हो रहा है, एंड राइट साइड पे सुपर स्लोमो वाली वीडियो प्ले हो रही है 240 FPS वाली। तो आप लोगों को इन दोनों पे सबसे ज्यादा वीडियो स्मूथ एंड स्लो देखने को 240 FPS वाली सुपर स्लोमो पे देखने को मिलती होगी। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितनी ज्यादा आप लोगों को गेम पे FPS मिलेगी उतनी ज्यादा आप लोगों की गेम स्मूथ एंड स्लो लगेगी, एंड आप लोगों को रिस्पॉन्स करने के लिए भी टाइम भी ज्यादा मिलेगा। एंड आप लोग भी इस वाली चीज को टेस्ट करके देख लेना, आप लोग अपने घर की जो सीलिंग फैन है उसे रिकॉर्ड करना स्लोमो एंड सुपर स्लोमो पे, देखना आप लोगों को सुपर स्लोमो पे काफी ज्यादा स्मूथ एंड स्लो देखने को मिलेगा, इवन आप लोगों को फैन की ब्लेड भी दिखेगी काफी अच्छे से। एंड अगर रही बात रिकॉइल की, तो देखो ये भी वेरी करता है आप लोगों की FPS पे, जितनी ज्यादा आप लोगों की FPS होगी आप लोगों की रिकॉइल उतनी कम होगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने टेस्ट करके देखा था, तो सबसे ज्यादा रिकॉइल हमें 20 FPS पे देखने को मिली, बिकॉज जितनी कम FPS होगी आप लोगों को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी रिकॉइल कंट्रोल करने में, क्योंकि गेम काफी ज्यादा चॉपी एंड लैगी रहता है कम FPS पे। एंड जितनी ज्यादा आप लोगों की FPS रहेगी, आप लोगों की गेम उतनी स्मूथ चलेगी, एंड रिकॉइल भी आप लोग इजिली कंट्रोल कर पाओगे। एंड कैरेक्टर की भागने की स्पीड में कोई भी डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा किसी भी FPS पे। इवन जितनी भी मैंने आप लोगों को कंपैरिजन शुरू किया ना, सारे पे आप लोगों को सिर्फ कुछ ही मिली सेकंड्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट ये कुछ मिली सेकंड्स भी काफी ज्यादा मैटर करता है इस गेम पे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ये सारी वीडियो